हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर मैगमा गुरु में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करा भाई पावर ट्रैक 439 प्लस का, कंपनी फिटेड है इसमें बम्पर। ये कंपनी फिटेड बम्पर है भाई इसका, और ये साइड में भी सिल्वर कलर की दे रखी है, और ये टो के दे रखा है, कंपनी फिटेड है ये भी, और एस्कॉर्ट का लोगो है ये, और ये पावर ट्रैक का लोगो इस पर लगा रखा है, और ये फाइबर का है इसमें, और जो पीछे वाली शो है वो इसकी लोहे की है, और ये बटन दे रखे हैं, और हाइलक्स के इसमें पंप लैंप है, हाइलक्स के पंप है इसमें ये लैंप। और इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ बात करें तो सुपरमैक्स है सीरीज ये, और डीजल शेवर इंजन है इसका, और आई कैपेसिटी लिफ्ट है इस ट्रैक्टर की, और फ्रंट का जो एक्शन है वो एडजस्टेबल नहीं है, हमने दिखा रहे हैं एडजस्टेबल नहीं है फ्रंट का स्टेयरिंग। अच्छा, एडजस्टेबल नहीं है। टायर की बात करें तो 600 फ्रंट टायर है भाई इसके, और ये सिल्वर शाइनिंग कलर है रिम का, और ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है 41 HP का, और बोस कंपनी का इसमें फ्यूल पंप है, और ये दे रखा इसमें वाटर कूल्ड इंजन है, और इसमें वो 24x7 वाली केयर सर्विस नहीं दे रखी है ट्रैक्टर में, और ये गेज दे रखा है नीचे वाला तेल नापने के लिए है, और स्टीयरिंग की बात करेंगे इसकी, और ये फिल्टर दे रखा है हाइलक्स का डीजल फिल्टर है ये, और ये यहाँ पे दे रखा है, और ये कलासी दे रखी है पंप, और ये डीजल शेवर ट्रैक्टर है पावर ट्रैक। और ब्रेक की बात करें तो ऑयल इमरजेंट ब्रेक है इसके ट्रैक्टर के, और ये रेस दे रखी है पैर वाली, और ये लॉक है, और ये 41 HP का ही ट्रैक्टर है, और ये हाइलक्स के डीपर है इसमें, और 8+2 का इसका गियर बॉक्स है, मिडल में है ट्रैक्टर का गियर बॉक्स, और आप पीछे से दिखाएंगे ना अपने कुछ पीछे तक ट्रैक्टर की बात करें तो भाई, और मैनुअल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग दोनों में ट्रैक्टर उपलब्ध है ये, और एक्स्ट्रा टॉर्क पावर लगा हुआ है ये ट्रैक्टर, और ऑयल इमरजेंट है ट्रैक्टर के ब्रेक, और क्लच की बात करें तो डुअल क्लच है ट्रैक्टर, और पहले ये सिंगल में आता था लेकिन अब डुअल में आता है, 12 वोल्ट का अल्टरनेटर है ट्रैक्टर में, और इसमें भी डबल पंप दे रखे हैं लिफ्ट के लिए और पावर स्टीयरिंग के लिए, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है ट्रैक्टर में, और ये लिफ्टों के लिए एक्स्ट्रा पावर के लिए ये फिल्टर दे रखा है, और ये किसान के लिए पायदान दे रखा है, यहाँ से पैर रख के आराम से चढ़ सकता है, और इसमें भी ये हाइड्रोलिक ऑयल आता है यहाँ से, और 50 लीटर इसकी तेल निकलती है, और सिंगल और डुअल क्लच दोनों में उपलब्ध है ट्रैक्टर ये, और ये डिब्बा दे रखा है, और ये पकड़ने के लिए दे रखा है, यहाँ से आराम से चढ़ सकता है किसान। ये भाई इसका टूल बॉक्स दिया हुआ है, पावर स्टीयरिंग है, सिंगल रखे हैं 22 RPM का ट्रैक्टर है ये, और 8+2 का गियर बॉक्स है इसका, ये तेल के लिए दे रखा है, कितना तेल बाकी है देता है ट्रैक्टर, जब तेल कम हो जाता है तो यहाँ शो कर देता है, ये RPM दे रखी है ट्रैक्टर की, और ये नीचे वाले तेल की है, और ये डिजिटल मीटर है आप देख सकते हो, और ये एड्रेस है ट्रैक्टर की, और ये पोजीशन ड्राफ ऑटो कंट्रोल और ये सेफ्टी वाल दे रखे हैं। अगर पीछे तो बात करें ट्रैक्टर की तो वही पीछे तो दिखा देते हैं आपको, तो वही पिछले टायर की बात करें तो 13x28 के पिछले टायर हैं, और लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी इसकी, सिंगल प्रेशर पाइप दे रखी हुई इसमें, ये सिग्नल लाइट है इसकी,
ये लाइटों के लिए होता है, ये लाइट दे रखे है, सिल्वर बम्पर है इसका, ये बैठने के लिए मुरगार्ड है भाई ये सिल्वर कलर का, और ये टॉप लिंक दे रखा है, और सिंगल पीटीओ है 6x9 का 540, और कंफर्टेबल सीट है भाई इसकी, ये आप हाइट के अकॉर्डिंग भी और वेट के अकॉर्डिंग भी आगे या पीछे कर सकते हो आप। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक करो, शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो दोस्तों।